आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हारमोनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व पीस और हारमोनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई। देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेट असाइड करने की मांग की थी, 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेट असाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाईकोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करें।